से जहां आज के समय में किसी की मदद करने का निकला दुखद परिणाम। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां आज के समय में किसी की मदद करने का दुखद परिणाम। संजय भदौरिया ने विजय कुशवाहा को 9 लाख दिए, जब वापस मांगे तो उसने थाने में आवेदन दे दिया और मैं पुलिस से न्याय की उम्मीद करता हूं। देखिए मध्य प्रदेश से कंट्री ब्यूरो चीफ मैगजीन राजेश शिवहरे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राजेश शिवहरे कंट्री इंचार्ज मैगजीन। इस टाइम पर अपने खाटू श्याम मंदिर के बाहर खड़ा हुआ हूं मैं, और हमारे सामने हैं भदौरिया जी। संजय सिंह भदौरिया जी इनका नाम है। नेकी कर जूते खा, मैंने खाए और आप भी खाए, यानी कि किसी की मदद करने का कोई जमाना नहीं रहा आज की डेट में, और मदद करने वाले को हमेशा हार की सामना करना पड़ता है। तो इनसे मैं पूछता हूं कि इनने क्या कारण क्या था जिस वजह से इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया। गांधीनगर में एक शॉप है विजय इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, जिससे मेरे यहाँ काम करने आता था कभी कंप्लेंट वगैरह, तो उससे काफी अच्छे संबंध हो गए, जिसके लिए मैंने उसकी आर्थिक मदद के लिए 9 लाख रुपए उसने मुझसे लिए। जब मैंने उससे मांगा, उसके एवज में उसने मुझे चेक भी दिए, और जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसके घर वालों ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, और मेरी झूठी रिपोर्ट SP ऑफिस और पड़ाव थाने में आवेदन दे दिया है उन्होंने। इसके एवज में मैंने उनका भी चेक बाउंस होने नोटिस भिजवा दिया है। तो उसके आगे आपका अभी जैसे उनसे बातचीत हुई तो कुछ तो नहीं, वो मुझसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो देखा आपने हमारे बीच में भदौरिया जी खड़े हुए हैं, इनने कई लोगों की मदद करी है, और मैं भी इस चीज का प्रत्यक्ष हूँ, क्योंकि आज की डेट में मदद करके आदमी भूल जाए तो कोई कुछ नहीं कहता। अगर मदद करके अपना पैसा वापस मांगने की आए तो आदमी पुलिस पर चली जाती है, और पुलिस से हम न्याय की उम्मीद रखते हैं कि पुलिस हमारे साथ न्याय करे, हमारे भदौरिया जी के साथ न्याय करे, हम इनसे ये उम्मीद रखते हैं पुलिस। ये मैंने अक्टूबर में पेमेंट किया था उनको, और चेक एवज में दिया था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं छह माह के अंदर 3-3 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट करके वापस करूंगा। अभी कोई पेमेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऑनलाइन पेमेंट किया है, जिसकी डिटेल मैंने पुलिस वालों को भी दे दी है। वो जो अमाउंट है करीबन नहीं तो 1.25 लाख के आसपास जो भी है तो उसको काट ले, मैं काटने की मना नहीं करता हूँ। जैसे हमने आपको पेमेंट किया है तो वो चेक के थ्रू किया था? नहीं, उन्होंने मुझसे पेमेंट जो लिया है वो कैश लिया था, उसके एवज में मुझे चेक दिया था, और उसके बाद जो लेन देन उन्होंने जो किया है वो फोन पे में उन्होंने मुझे डाला है, जितना भी डाला है 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए, वो मैं कटवाने को तैयार हूँ। मतलब ये प्रूफ है कि उन्होंने मुझे पेमेंट लेना देना किया है, मेरे अकाउंट से उनका अकाउंट में ट्रांजेक्शन चालू था। उन्होंने आपकी जो अभी कार्रवाई की है, अभी मैं जब उसके घर पहुंचा तो वहां पे पता चला कि मेरे अलावा इन लोगों ने 16-17 लोगों को और भी शिकार बना रखा है, जिनसे ले रखा है। तो जब लोग आप उसके यहाँ पहुंचे हैं तो ये झूठा नाटक जहर खाने का नाटक बना लिया, उसके एवज में ये किसी का पैसा देना नहीं चाहते हैं और रिपोर्ट वगैरह डालते फिर रहे सब। पुलिस को तो आजकल इसी वजह से मैं बना लिया है कि अगर कोई नहीं सुनना है तो पुलिस के पास पहुंच जाए न्याय मांगने के लिए, और खुद गलत होते हैं लोग। आप